जेएनयू लाल था लाल रहेगा। लेफ्ट यूनिटी ने फिर से जेएनयू को जो लालगढ़ कहा जाता है वहां फिर से कब्जा कर लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं लेफ्ट यूनिटी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार, नहीं आप ये जीत चुके हैं, लेफ्ट यूनिटी के जो अध्यक्ष चुने गए हैं एन साई बालाजी, उनसे ही बात करते हैं कि क्या कैसा रहा, कैसा प्रचार चला और उसमें किस किस तरीके से, जैसे विद्यार्थी परिषद ने यहाँ इलेक्शन कमीशन जो कि अपने फेयर इलेक्शन कराने के लिए जाना जाता है उस पर भी आरोप लगाए कि वो कम्युनिस्ट ओरिएंटेड हो गया है, तो क्या कुछ है पूरा मामला, हम सीधे साई बालाजी से ही बात करते हैं। जी बालाजी, इस बार जब प्रचार शुरू हुआ एवीपी भी इस बात को जान रहा था कि ये चुनाव जो है 2019 से पहले है, उसको सेमीफाइनल की तरह उसने लड़ा और आज छात्रों ने उसको फाइनल की तरह लड़ के एक करारा मैसेज देश भर में दिया कि एवीपी का पतन और बीजेपी का पराजय शुरू हो चुका है और छात्र जो अपना रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं वो खड़े हैं। पहले दिन से जो नए छात्र आए थे उनको बिरयानी खिलाने की बात की गई थी, वाइस प्रेसिडेंट से मिलवाने की बात की गई थी, तीन तीन मुख्यमंत्री को बुलाया, तमाम तरीके से मनी मसल पावर को यूज़ किया गया, जब ये सब नहीं चला मारपीट किया ये सब नहीं किया इसी को इंटिमिडेट किया, जब ये सब नहीं चला तो काउंटिंग को रोकने का कोशिश किया। मुझे लगता है इसके इस सब चीज़ों के बावजूद एक चीज़ जो मुझे इस पूरे चुनाव के दौरान दिखा वो तमाम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के जिन्होंने उम्मीद के साथ उस मनी मसल पार के राजनीति को खारिज किया और जब उन्होंने जेएनयू में एडमिशन लिया उसी टाइम उन्होंने उस एंटी नेशनल वाली राजनीति को खारिज करते हुए जेएनयू में भरोसा किया और जेएनयू में आने के बाद उस जेएनयूवासियों की लेगेसी को और जेएनयू के लेगेसी को आगे बढ़ाया, उन लोगों ने पर्सनल स्लैंडर चलाया, गोला बना के लोगों को एंटी नेशनल बताया, ये तमाम चीज़ बताया, बट वो लोग विद्यार्थी परिषद एक बात हमेशा कहती रही है कि ये जो लेफ्ट यूनिटी ने जो गठबंधन खड़ा किया है दरअसल वो गठबंधन नहीं है, ठग बंधन है, यहाँ के आम छात्रों को अपनी ओर खींचने के लिए इन्होंने ये ठग बंधन बनाया है और उसके बाद ये फिर अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग संगठन चूँकि एक साथ आए हैं फिर ये अलग अलग हो जाएंगे, इस पर आप क्या सोचते हैं? ठग तो वो बन गया है जिस हिसाब से वो डेस्परेशन में लोगों को मार रहा था, ईसी के ऊपर हमला किया, काउंटिंग को रोकने की कोशिश किया और जैसे इंटिमिडेट करने की कोशिश किया, उसको लगा जनता का मैंडेट उसके पक्ष में नहीं है और जाहिर सी बात है कि जिस हिसाब से जिस मार्जिन से लोगों ने एवीपी को हराया ये साफ तौर पे दिखता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन की जीत नहीं है बल्कि ये जनता की जीत है, जो सारा जनता एक साथ आके एक बात ज़रूर बोला, हम इफ़ वी आर यूनाइटेड डिफीटेड दे आर, और इसी बात को उन्होंने अपने मतदान से बोला कि जो 2019 की चुनाव होगी हम सब लोगों को एक साथ आने का ज़रूरत है और ये जो एंटी पीपल पॉलिसी को लागू करने वाला सरकार है जो किसानों को किसानों को मरने तक छोड़ दिया है, जो रोज़गार नहीं दे रहा युवकों को और मजदूरों को अपना बेसिक मिनिमम पे तक नहीं देने का है और ऊपर से ऐसा कानून लेके आ रहा है कि ताकि उनका नौकरी ख़त्म हो जाए, ये सब के ख़िलाफ़ एक लंबा आवाज़ उन्होंने उठाया और इस बात को इंश्योर किया कि जेएनयू जो होगा वो सबके लिए होगा और वैसे ही हो ये देश भी सबके लिए। एक और सवाल और अंतिम सवाल कि जो एक चीज़ देखने के लिए हमेशा सुनी आ रही कि पिछले बार जब जेएनयू एसयू था जो सन 2013-14 में तो जेएनयू एसयू बनारस में प्रचार करने गई थी, एंटी मोदी प्रचार करने गई थी, इस बार चूँकि फिर से इलेक्शन होंगे और सन 2019 सामने है और उस समय भी एक जेएनयू एसयू होगा जो यूनाइटेड लेफ्ट का होगा, तो यूनाइटेड लेफ्ट का जो जेएनयू एसयू होगा उसकी क्या रणनीति होगी मोदी सरकार के? हम जनता के लिए, जनता के बीच में, जनता के सवालों को लेके, लोकतंत्र को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को लिंचिस्तान ना बनते हुए रोकने के लिए और ये हमला और जुमला के खिलाफ लोगों का सरकार आए, तो जो भारतीय जनता पार्टी है ना, दरअसल भारतीय भी नहीं है, जनता भी नहीं है, ना ही पार्टी है, ये अदानी अंबानी के एक छोटा वाला गढ़ वाला एक मोनोपोली है जो खाली अदानी अंबानी को अपना मुनाफा देना चाहता है, जो मोदी बिहेव करता है कि रिलायंस का वो सीईओ है, देश का पीएम नहीं है, इस बात को जनता के बीच में ले जाएंगे, हम कोई एंटी कैंपेन नहीं करेंगे, हम लोकतंत्र के पक्ष में, संविधान के पक्ष में, जनता के हक के पक्ष में अपना आवाज़ को ले जाएंगे और जनता अपने अपना सरकार चुनेगी और जिस सरकार ने लोगों का वादा तोड़ा है, वादे को नहीं निभाया, उस सरकार को जनता खुद खारिज करेगा। ठीक, तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे एन साई बालाजी जो सन 2018-19 के लिए जेएनयूएसयू के अध्यक्ष चुने गए हैं। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मैं विष्णु नारायण, दिया बिहार मेल के लिए धन्यवाद।